किला पुणे महाराष्ट्र। शनिवारवाड़ा महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। इसे पुणे की सबसे भूतिया जगह माना जाता है। वहाँ के लोग बताते हैं कि उनको कई बार रात को अंदर से किसी के मदद मांगने की आवाज़ आती है। इतिहासकार बताते हैं कि बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 में इस किले की नींव रखी थी। सन 1818 तक यह किला पेशवाओं के नियंत्रण में रहा था। 30 अगस्त 1773 में नारायण राव, जो कि मात्र 16 साल के थे, तब उनकी षडयंत्र करके हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या उनके चाचा ने करवाई थी। महल के आसपास के लोग बताते हैं कि अमावस की रात को अब भी उस महल से बचाओ बचाओ की एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। वो कहते हैं कि यह आवाज़ उसी राजकुमार की है जिसकी उस वक्त हत्या कर दी गई थी। रामोजीराव फिल्म स्टी। रामोजीराव फिल्म स्टी युद्ध भूमि हैदराबाद में स्थित है। जब हैदराबाद में युद्ध हुआ था ब्रिटिश काल में, तब उस वक्त बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। रामोजीराव में फिल्म शूटिंग के दौरान कभी कभी बहुत सी आत्में वहाँ दिखाई देती रहती हैं। उसी वजह से रामोजीराव फिल्म सिटी को भूतिया जगह घोषित किया गया है। कई बार यहाँ के लोगों पर काम करते समय हमले भी हो चुके हैं, लेकिन शायद कारोबार की वजह से ये चीज़ें व्यक्तिगत नहीं की गई हैं। रामोजीराव सिटी में कई होटल हैं जो कि भूतिया घटनाओं की वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। इन होटल में ज़्यादातर घटनाएँ लड़कियों के साथ ही की होती हैं। कई बार शूटिंग के दौरान लाइटमैन को धक्का देके गिराया जा चुका है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोटें भी आती रहती हैं। इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए वहाँ के लोगों ने बहुत से पूजा पाठ भी करवाए हैं, पर उन सब चीज़ों का वहाँ पर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आपने कभी डोव हिल्स के बारे में सुना है? बात है पश्चिम बंगाल की। कोलकाता से लगभग 587 किलोमीटर दूरी पर कुरसंग स्थित है, जो कि भारत के सबसे खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्रों में गिना जाता है। कुरसियांग को ब्रिटिश काल में बनवाया गया था। कुरसियांग के आसपास बहुत से पहाड़ियाँ स्थित हैं। उनमें से एक पहाड़ी है जिसका नाम डोव हिल्स है। ये पहाड़ी अपने भूते अनुभव के कारण बहुत कुख्यात है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इस पहाड़ी पर बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर लोगों ने नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया है। डोव हिल्स दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पहाड़ी से बहुत से किस्से जुड़े हुए हैं। इस पहाड़ी पर ऑर्किड और चाय के बागान भी मौजूद हैं। डोव हिल्स के पहाड़ियों को लेकर सर्किटी भूत, मौत की सड़क, भूतिया स्कूल जैसी कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। यहाँ पर एक सड़क ऐसी भी है जो कुरसियांग में डोव हिल्स से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है। इस रास्ते पर अक्सर गांव के लकड़ारे जब सुबह लकड़ियाँ लेने जाते हैं तो वो बताते हैं कि कई बार उनको अपने पीछे किसी लड़के का सरकटा धड़ दिखाई देता है, जो कि या तो उनके पीछे भागता है या फिर उनके साथ चलता रहता है। कई लोगों को वहाँ पे किसी महिला का भूत भी दिखाई देता है जिसकी आंखें काफ़ी लाल होती हैं, और उनमें लाल आँखों से वो उन लोगों को घूरती रहती हैं। गाँव वाले बताते हैं कि डोव हिल्स का जंगल भी काफ़ी डरावने माने जाते हैं। इन जंगलों की हवाएं काफ़ी मनहूस हैं। जो लोग वहाँ पर जाते हैं उन्हें हमेशा वहाँ किसी मनुष्यत का एहसास होता रहता है। लोग बताते हैं कि जो भी टूरिस्ट या जो भी लोग इन जंगलों के द्वारा अंदर गए हैं तो उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगह ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी भूतिया हैं। इसलिए वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड और गाँव के लोग जो वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनको जंगल के ज़्यादा अंदर जाने से वो लोग हमेशा मना ही करते हैं।